नमस्कार सभी को। और आज की डेट में भारतीय फुटबॉल में एक नाम है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और वो नाम है कियान नासिरी का। और मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए कि ये नाम क्यों इतना फेमस हो रहा है, क्योंकि भैया यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर हैट्रिक इन ISL और कोलकाता डर्बी, तो मतलब कि ये कोई छोटी बात नहीं है। जो बड़े बड़े तुर्रम खा नहीं कर पा रहे, बड़े बड़े प्लेयर नहीं कर पा रहे हैं हैट्रिक, वो चीज़ एक इतने यंग प्लेयर ने करके दिखाई है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और कई लोग इसको एक लक के रूप में देख रहे हैं, कई लोग इसको ऐसा मान रहे हैं कि भैया लक है ना। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप उस मैच के पीछे की मेहनत देखिए, मतलब इतने सालों का जो हार्ड वर्क है उसका एक निचोड़, उसका एक सक्सेस जो है वो एक हैट्रिक के रूप में मिला है कियान भाई को। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो चलिए आज हम जानते हैं कियान नासिरी भाई के बारे में कि शुरू से अभी तक उनका फुटबॉल का सफ़र कैसा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो एक कहावत है ना कि शेर का बच्चा शेर ही रहता है, तो ये कहावत कियान नासिरी भाई ने कहीं ना कहीं सच साबित करके दिखाई है। तो देखिए, ईस्ट बंगाल के एक बहुत बड़े लेजेंड है जामशेद नासिरी जी, तो कियान जो है उनके बेटे हैं। और जो लोग जामशेद नासिरी जी को नहीं पहचानते, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जामशेद नासिरी साहब जो है वैसे तो ईरान के प्लेयर थे और वो पढ़ाई करने के हिसाब से आए थे भारत में, और यहाँ पर उनके जो टैलेंट को ईस्ट बंगाल क्लब ने देखा था और ईस्ट बंगाल ने उनको अपनी टीम में जगह दी थी, और वहाँ से उन्होंने अपना सफ़र चालू किया फुटबॉल का और वो लेजेंड बन के निकले। वो इंडिया में खेलने वाले पहले फॉरेन प्लेयर थे जिन्होंने 100 गोल मारे थे इंडिया में, तो ये रिकॉर्ड भी उनके नाम है। तो जामशेद नासिरी जी भी उनके ज़माने में मतलब बहुत बड़े फुटबॉलर थे और भारत उनकी एक तरीके से कर्मभूमि बन गई। उनको यहाँ पर रहना पसंद आ गया, उनको यहाँ का कल्चर पसंद आ गया, उनको यहाँ का खाना पसंद आ गया, तो वो यहीं रह गए, यहाँ की सिटीजनशिप ले ली और वो हमेशा के लिए भारतीय बन गए। तो भैया उन्हीं का खून है कियान नासिरी भाई में, तो आपको खून में उबाल तो दिखेगा ही। तो कियान भाई को फुटबॉल जो है बचपन से पसंद था और वो तो स्वाभाविक सी बात है भाई, घर में लेजेंड है तो मतलब वो तो पैदा होते से फुटबॉल मिली गई होगी, तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई ऐसी आश्चर्यजनक बात तो है नहीं। बचपन से फुटबॉल को पसंद ही था और घर में भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल गया, एक लेजेंड के अंडर तुमको यार बचपन से ट्रेनिंग मिले तो कितनी अच्छी बात है। और उनके स्कूल टाइम में ही वो बंगाल के अंडर 14 टीम में सिलेक्ट हुए थे, तो वहाँ पर उनका टैलेंट किसने देखा, मोहन बगान ने देखा, और मोहन बगान ने उनको अपनी जो एकेडमी थी जहाँ पर नर्सरी एकेडमी बोलते हैं उसमें उनको रखा और वहाँ पर उनको ट्रेन करना चालू किया। तो मतलब कियान भाई को सही एज में सही टाइम पे सही ट्रेनिंग मिलना चालू हो गई। उसके बाद कियान भाई कलकत्ता फुटबॉल क्लब में खेले, मोहम्मदन में खेले, लेकिन उनको सही डायरेक्शन तभी मिला जब वो वापस 2019 में मोहन बगान एकेडमी में आए और वहाँ से उन्होंने लीग खेली। तो वहाँ पर मोहन बगान के उस टाइम जो सीनियर टीम के हेड कोच थे उनको उनका गेम काफ़ी पसंद आया और उन्होंने उनको ट्रायल्स के लिए बुलाया सीनियर टीम के लिए और वो भी सिलेक्ट हो गए। तो इस तरह से उनका जो सीनियर प्रोफेशनल करियर था वो 2019 से शुरू हो गया। तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा कि एक बहुत अच्छी यंग एज में उनको सीनियर टीम मिल गई, वो भी मोहन बगान जैसी। और कियान भाई जिन फुटबॉलर्स को एडमायर करते हैं, जिन फुटबॉलर्स की तरह वो खेलने की कोशिश करते हैं, जिनसे वो सीखते हैं, वो थे उनके ही टीम के सीनियर प्लेयर जो कि थे फ्रान गोंजालेज और धनचंद्र सिंह, तो उनसे ही वो सीखते थे और उन्हीं की टीम में वो खेला करते थे, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा था, है ना। तो उनको एक आइडल जो थे उनके उनकी ही टीम में मिल गए और घर में तो उनके पिता उनके सबसे बड़े आइडल थे ही। और एटी के और मोहन बगान जब मर्ज हुई थी तो एटी के मोहन बगान ने उनके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो कहीं ना कहीं उनको ही पता है कि इस टैलेंट में कितनी खूबी है और हमको कितना फ़ायदा देने वाला है भविष्य में। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कियान भाई ने इस कोलकाता डर्बी में दिखा दिया, मतलब उस गेम में आप उनको देख सकते हैं कि एक गोल स्कोरिंग की जो भूख है वो तो उनमें दिखती है, एज अ स्ट्राइकर जो एक फिनिशिंग चाहिए रहती है वो उनमें है। उनका टीम वर्क आप देखिए, एक फॉलो अप देखिए आप, है ना, जितना भी आप देख सकते हैं डेडिकेशन देखिए, गोल के लिए भूख जो चाहिए वो उनमें दिखती है। और कहीं ना कहीं ये क्यों हुआ है, क्योंकि इतने सालों से यार जो हार्ड वर्क किया है, इतने सालों से जो पसीना बहाया है, ये उसका फल है, उसका रिजल्ट है। तो कई लोग जिसको एक लक से जोड़ रहे हैं तो भाई उसको ऐसा बिल्कुल मत जोड़िए। आप देखिए कई प्लेयर से जो टैप इन वाले गोल भी मिस करते हैं ना, पेनाल्टी मिस हुई थी उसमें, उसी सेम डर्बी में जो विलियम्स ने पेनाल्टी ऊपर मार दी थी, तो आप देखिए ना लोग ऐसे गोल भी जब छोड़ते हैं। और कियान भाई ने जो गोल स्कोर भी किए वो इतने ईजी गोल स्कोर तो नहीं किए, है ना, वो काफ़ी मतलब उनमें फिनिशिंग चाहिए, विजन चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो वो चीज़ कियान भाई में है क्योंकि इतने सालों से वो उस चीज़ को कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि उनका हार्डवर्क, उनका पैसन, वो सब चीज़ों को देखिए,
ना कि बाकी किसी और चीज़ से जोड़िए। और भाई उनके जो पिताजी है ना जामशेद नासिरी साहब, वो बहुत ही प्राउड हैं कि भैया उन्होंने उस डर्बी में पूरा मैच जो है उसकी काया पलट कर दी। तो उनके पापा तो बहुत ही प्राउड है, और भैया प्राउड की बात तो है ही, हम खुद प्राउड फील कर रहे हैं कि भाई नासिर भाई एक इतना यंग टैलेंट निकल के आए हैं, तो बिल्कुल प्राउड हमको भी है। और उनके पिताजी भी उनको इंडिया टीम की जर्सी में देखना चाहते हैं, लेकिन अभी उनके पिताजी का भी कहना है कि अभी उनको यहाँ पर थोड़ा सा सक्सेसफुल होने दीजिए क्लब लेवल पे, बाकी फिर इंडिया टीम तो देखी जाएगी। और हम भी चाहते हैं कि नासिर भाई इसी तरह से इम्प्रूव करें, ग्रोथ करें, और ज़रूर हम उनको इंडिया टीम में देखना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे स्कोरर्स की हमको सख्त ज़रूरत है इंडियन फुटबॉल टीम में। और वो कहते हैं ना कि आप बहुत मेहनत करो तो किसी ना किसी दिन एक दिन उसकी सफलता आपको मिलती है, और वहाँ से आपका जो दिन है वो बदल जाता है। तो कियान भाई की जो इतने सालों की मेहनत थी वो इस कोलकाता डर्बी से, मतलब उनका एक पूरा गेम चेंजिंग फेज जो है वो आ गया, और अब उनको कोई नहीं भूलेगा मेरे हिसाब से तो, और उनके ऊपर अब और भरोसा किया जा सकता है। जो एटी के मोहन बगान के कोच होंगे वो भी अब उन पर ज़्यादा भरोसा दिखा पाएंगे, क्योंकि अब उनको भी एक कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट हो गया होगा। मतलब हैट्रिक मारने के बाद तो यार इंसान की जो सीमा होती होगी खुशी की, कॉन्फिडेंस की, वो तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाती होगी, है ना। तो कियान भाई ने तो यार मतलब कर ही दिया है वो, तो यकीनन हमको आगे उनसे और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले, हम यही आशा करते हैं। और ये जो गोल स्कोरिंग उन्होंने शुरू की है, खाता खोला है, इसकी कंसिस्टेंसी अगर बन जाए तो मज़ा आ जाए, मतलब फिर कुछ बोलने की बात ही नहीं है। और कियान भाई की एक और खासियत ये है कि वो बहुत सारी पोजीशन पर बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, जैसे कि वो विंगर बहुत अच्छा खेल सकते हैं, स्ट्राइकर, फुलबैक, तो इन पोजीशन पर बहुत अच्छा खेल सकते हैं अकॉर्डिंग टू उनके कोच। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइप की क्वालिटी अगर किसी प्लेयर में है तो किसी भी कोच के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कियान भाई के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता था, तो आई होप कि आप तक वो जानकारी पहुंची होगी और आप कियान भाई को थोड़ा सा नज़दीक से जान पाए होंगे। और बस आप इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, और कियान भाई के लिए आप बेस्ट विशेस दीजिए कि वो इसी तरह का परफॉर्मेंस आगे देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।